राजधानी पटना से सटे धनरुआ में मिनी गन फैक्ट्री का फिर एक बार पटना पुलिस ने उद्भेदन किया है। दरअसल ये पूरा मामला पटना के धनरुआ थाना क्षेत्र के बीरपट्टी इलाके का है, जहां पे एक खेत के बीचों बीच ये पूरा गन का कारोबार चलाया जा रहा था, जिसमें मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन पुलिस ने भेस बदल कर पहले तो वहाँ की रेकी की, उसके बाद वहाँ दबिश देते हुए इस मामले में संलिप्त तीन तस्करों के साथ जमीन के एक मालिक को भी गिरफ्तार किया है। वहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस पूरे गन फैक्ट्री में जो सामान बरामद हुए हैं उसमें दो निर्मित देसी कट्टा, कई अर्धनिर्मित पिस्टल और खोखे भी बरामद किए गए। साथ साथ अगर बात करें तो हथियारों को बनाने वाले लेथ मशीन से लेकर कटर और कई ऐसे सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं अगर बात करें तो पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि लगभग बेचे गए इनके द्वारा 15 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनसे इन्होंने कट्टे बनाकर या पिस्टल बनाकर बेचा है। हालांकि अब पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। आइए सीधे सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो। उद्भेदन किया गया है। सबसे पहले पटना के मसौड़ी अनुमंडल में धनरुआ थाना क्षेत्र में इस साल का दूसरा मिनी गन फैक्ट्री को पकड़ा गया है। जैसे हमने पिछले भी आपको बताया था कि आजकल जो मैक्सिमम क्राइम हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा अवैध अग्नियास्त्रों का उपयोग हो रहा है, और जब भी अवैध अग्नियास्त्रों की बात होती है तो हम लोगों को हमेशा रहता था कि मुंगेर या उसके आसपास के क्षेत्रों से ये लोग लाते हैं, लेकिन इस साल ये हम लोगों का पटना ज़िला का ही, जो जनवरी से हम लोगों ने मुहिम आरंभ की है दिसंबर के लास्ट से, ये पाँचवा मिनी गन फैक्ट्री है जिसका उद्भेदन किया गया है। इससे पहले दो नौबतपुर में किए गए थे, एक पिपरा में किया गया था और धनरुआ में जनवरी में किया गया था, और आज भी ये धनरुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत बीरचकिया गाँव है। इसमें एक टुनटुन यादव नाम का व्यक्ति था जिसके खेत में ये मिनी गन फैक्ट्री चल रहा था। इस मिनी गन फैक्ट्री को चलाने वाले टुनटुन यादव के अलावा जो तीन निर्माणकर्ता थे, तीन अपराधकर्मी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम है भुगोली विश्वकर्मा उर्फ मुन्ना, पिता का नाम है स्वर्गीय बिरजू विश्वकर्मा जो कि चिकसौरा बाजार थाना नालंदा ज़िला नालंदा का रहने वाला है। सहदेव यादव, पिता का नाम चिकसौरा थाना नालंदा ज़िला का रहने वाला है। और चट्टान यादव, पिता स्वर्गीय कुलदीप यादव, बीरचकिया गांव धनरुआ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और जिसके खेत में ये मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी उसका नाम है टुनटुन यादव, पिता का नाम शिवनंदन यादव, ये बीर गांव थाना धनरुआ का रहने वाला है। इनके पकड़े जाने से दो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के देसी कट्टा पूरी तरह से निर्मित जो कि बेचने के लिए रेडी थे वो बरामद हुए हैं, एक अर्धनिर्मित राइफल का बैरल, तीन अर्धनिर्मित देसी कट्टा जो कि निर्माण की स्टेज में थे वो बरामद हुए हैं, खोखा बरामद हुआ है और बेस मशीन बरामद हुई है, और हथियार को बनाने के लिए बहुत भारी मात्रा में जो बाकी सामग्री का उपयोग किया जाता है, उपकरणों का उपयोग किया जाता है वो बरामद हुआ है। इनके जो हम लोगों को लीड मिला था, जो पिछली बारी हम लोगों ने मिनी गन फैक्ट्री का धनरुआ थाना क्षेत्र में जो उद्भेदन किया था, उनके मोबाइल्स से हम लोगों को जहाँ जहाँ पे जो क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे थे उन्हीं को फॉलो करते करते, तो जो पहला उद्भेदन हुआ था ननौरी गांव में हुआ था, तो वीरचकिया से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, उसी को ट्रेल को फॉलो करते हुए पता चला कि एक और मिनी गन फैक्ट्री चल रही है, जिसका सफलतापूर्वक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मसौड़ी के द्वारा टीम, इनके नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, तो थानाध्यक्ष धनरुआ के द्वारा किया गया है, और ये भारी मात्रा में ये सब उपकरणों को और हथियारों को बरामद किया गया है। और इनकी पूछताछ से जहाँ जहाँ से, जैसे पिछली बारी हम लोगों ने लीड्स निकाला था कहाँ कहाँ पर इन्होंने हथियार बेचे हैं वो भी हम लोगों ने सूची बनाई है, और हमारा नेक्स्ट स्टेप है अब उन लोगों को पकड़ के हथियारों को बरामद करना। कितने दिनों से ये चला रहे थे और अभी तक कितने हथियार को सप्लाई कर चुके हैं? ये लगभग इस वाले इस लोकेशन पे पिछले 4 महीना से ये इलीगल जो मिनी गन फैक्ट्री है चल रही थी, और इनके जो हम लोगों ने भी सूची बनाई है और इनके जो फोन्स का हम लोगों ने एनालिसिस किया है, तकरीबन 1.5 दर्जन लोगों को, यानी कि 15 लोगों को ये लोग हथियार बेच चुके थे, जिनमें से बहुत से लोग सत्यापित हुए हैं और वहाँ से हथियार रिकवरी और जो इनके माध्यम है जो बिचौलिया है वो भी आइडेंटिफाई हुए हैं। इनफैक्ट जो इसमें लैंड ओनर को पैसा मिलता है, मिनी गन फैक्ट्री चल,
ये डिपेंड करता था, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता था। इनका रेट 2500 से भी शुरू हो रहा था जो कि लो क्वालिटी के थे, और अच्छे से अच्छा कट्टा ये 10-12 हज़ार का भी बेचते थे। और इसमें जो ये पकड़ा गया है भुगाली विश्वकर्मा पकड़ा गया है, पिछली बार आपको याद होगा जो पिछली मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था, बुंडेला विश्वकर्मा नाम का अपराधी उसमें था, उसी का हिस्सेदार है। तो उसी के ट्रेड को फॉलो करते करते हम लोग इस तक पहुँचे हैं और ये निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। ये पटना पुलिस का 5वां मिनी गन फैक्ट्री है जो पिछले 2.5 महीनों में हम लोगों ने पकड़ा है। ये लोग ट्रेडिशनली ही लोहे का काम करते हैं, और जो चिकसौरा एरिया रहा है, नालंदा का रहा है, वो पहले भी ट्रेडिशनली रहा है। इनके जो इन्होंने बताया है कि इनके खुद के रिश्तेदार और इनके पिता पुरख भी पहले काम करते रहे हैं। पहले मुंगेर वाली साइड पे करते थे, जैसे वहाँ पे सख्ती हुई तो धीरे धीरे अब ये सब डिसेंट्रलाइज हो रहा है। और इसमें जो इन्होंने हम लोगों को प्रक्रिया भी बताई है, 2 दिनों में एक कट्टा तैयार कर लेते हैं, और इसके लिए बहुत बड़ा कोई लेथ मशीन का इसका उपयोग नहीं करते हैं। बेस मशीन छोटा छोटा घरों में छोटी छोटी वर्कशॉप टाइप का जिनका रहता है, और ये तो खुले खेत में कर रहे हैं, तिरपाल डाल के कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन लगातार अगर बात करें तो 5वीं ये सफलता है पटना पुलिस को, जहाँ पे मिनी गन फैक्ट्री का पटना में उद्भेदन हुआ है। महज 2.5 महीने में ये 5 फैक्ट्रियों का उद्भेदन पटना पुलिस ने किया है। तार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।